नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मायके। कल की वीडियो में ही आप सभी ने देखा तो कल थी भैया की छठी, बाबू की, जो नन्ना मेहमान अभी आया है। छठी तो नहीं थी, 12 दिन पे किया गया है, बारहों जिसे बोलते हैं। तो 6 दिन पे मैं नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए मम्मी पापा ने नहीं किए हैं। क्योंकि नहीं आ पाई थी, नागपंचमी थी ना, तो नागपंचमी के दिन भैया की छठी पड़ रही थी, तो उस दिन मैं नहीं आई। त्यौहार था तो मैंने कहा बाद में आऊँगी, तो पापा ने कहा चलो जब तुम आओगी तभी उसका 12 दिन पे करेंगे। तो बाबू को ना अभी काजल भी नहीं लगा था, मेरा बाबू नहीं, जो अभी बाबू नया आया भाभी का भैया, मतलब मेरा भतीजा, तो बाबू को काजल भी नहीं लगा था। 12 दिन पे कल उसको काजल लगे हैं, क्योंकि ऐसा बुआ लगाती है ना काजल। थी मेरी बहन छोटी वाली थी तो वो नहीं लगाई थी, कि दीदी वो आएगी तभी लगाएगी, तो भैया को काजल ही नहीं लगी थी। तो कल मैंने उसको काजल भी लगाया और अब लगा सकता है कोई भी उसको काजल। और अभी सुबह सुबह का समय है तो नहा धो चुकी हूँ, नहा धो करके बैठी हूँ नीचे। अभी मैं छत पे आई हूँ, ये जो पीछे देख रहे ना आप लोग, ये छपरा बना हुआ है, भाई लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, ऑफिस है। यही वो लोग लेटते हैं, देखिए जब बारिश होती है ना तो यहीं पे बिस्तर अपना खिसका के यहीं पे लेटते हैं, नीचे नहीं लेटते हैं। तो मैं नीचे थी, नीचे से ऊपर अभी आई हूँ, क्योंकि नीचे बहुत शोर हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ आप सभी से, तो ऊपर अभी आई हूँ। और बुआ लोग भी आई हैं, तो बुआ लोग अभी हैं, नहा धो रही हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। अभी दिखाऊंगी आप सभी को, बुआ लोग से भी मिलवाऊंगी। और दादी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी दादी की। कल मैं आई हूँ ना तो परसों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी दादी की, मतलब कि दादी उल्टा सीधा बोलने लगी थी, उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो कल मैं आई तो कल मुझे पता चला कि दादी की तबीयत ख़राब थी। दादी से भी आप सभी को मिलवाऊंगी ही मिलवाऊंगी, दादी को भी मैं वीडियो में लाऊंगी, तो आप सभी से मिलवाऊंगी। और कल आ रही थी तो सब लोग अभी हैं घर में, और देखो अब अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन के बाद ही घर जाऊंगी। और अभी है सुबह सुबह का समय, तो कल शाम को मैं आप लोगों से बात की थी, फिर उस समय से मैंने चालू ही नहीं किया कैमरे को, क्योंकि फ़ोन ना ख़राब हो चुका है, किसी तरीके से काम चला रहा है मेरा। सुबह सुबह का समय है, यहाँ पे भाई भी बैठे हैं, मम्मी भी बैठी है, बाबू अभी सो के उठा है, तो अभी मैंने भी चाय नहीं पिया था, तो अभी चाय पीने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी मालिश कर रही है छोटे वाले भैया की, छोटे बाबू का, भैया मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे भतीजे का। तो बाबू को भी सुबह सुबह लग गई है भूख, सबको चाहिए चाय और बाबू को चाहिए दूध, तो इनको भी मैंने दे दिया है नेप्पल में दूध। और नहाने धोने के बाद ही मैं बैठ गई हूँ पीने के लिए चाय। और यहाँ पे ना भाई बैठा हुआ है बड़ा वाला, सुबह 7 बजे होंगे, सुबह हाँ 7 ही बजे हैं, ये लोग ना 7 बजे ही निकल जाते हैं अपने अपने ड्यूटी पे। बड़ा वाला भाई और मझिला वाला दोनों साथ में ही जाने लग गए हैं, तो अभी दोनों का जो है चाय नाश्ता चल रहा है और दोनों का खाना चल रहा है। बड़ा वाला भाई खा चुका है और ये बैठा है इधर वाला मझिला वाला। नैन्सी भी मामा के पास ही बैठी हुई है, इधर माही है, तो सब अब जाने की तैयारी हो रही है। ये लोग खाना खाने के बाद सीधा निकल जाएंगे और मैं चलती हूँ दादी के पास। तो अभी दादी के पास मैं आके बैठ गई हूँ, और दादी की ना मैंने बताया कि दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो दादी ना कुछ पहचान नहीं पाती है, ना ढंग से बोल पाती है, तबीयत इतनी ज़्यादा रह रह कर दादी की ख़राब हो जाती है, मतलब कि सबकी उम्मीदें टूटने लगी है, सब निराश होने लगे हैं, थोड़ा सा सब थोड़ा सा क्या सब इमोशनल हो गए हैं, सभी रोने लग गए थे, क्योंकि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं भी दादी के पास ही, मैंने सोचा थोड़ा सा कल जब आई थी ना तो परसों दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कल मैं शाम हो गए थे आते आते, और आने के बाद नन्हे बाबू की छठी थी तो उसमें लग गई थी, तो मैं दादी से बात नहीं कर पाई थी ठीक से। तो मैंने सोचा कि अभी जाती हूँ दादी से बात करूँगी और दादी के पास बैठूँगी, पता नहीं मैं दादी से फिर बातें कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ये सब बातें मन में चल रही थी। अभी मैं बैठी थी दादी के पास, दादी की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इसीलिए बैठे थे सब लोग, दादी किसी को पहचान नहीं पा रही हैं, तो
तो उन्हीं को दादी को देख रही थी। बड़ी मम्मी के यहाँ दादी आगे लेटी हुई, तो वहीं पे मैं भी बैठी थी और अभी बड़ी मम्मी के यहाँ ही बैठी हुई हूँ। तो बस दादी को मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेती हूँ, उनको लग रहा है कि उनके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है या फिर क्या है। कई दिनों से दादी की बार बार तबीयत ख़राब हो रही है। कल मैंने कहा था ना आप सभी को दिखाऊंगी, तो अभी थी मैं घर में ही थी, अचानक से किसी ने बताया दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो घर सामने सामने है ना बड़ी पप्पी का और पापा का, तो बस देखी तो बुआ लोग सब बैठी हैं यहाँ पे, डॉक्टर अभी आए थे, दवा नहीं दिए हैं कुछ, बुखार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस कुछ ऐसी दवा लिख दी हैं, तो वही मंगवाना है। और बुआ लोग सब बैठी हैं, दादी से बातें कर रही हैं, बड़ी मम्मी खड़ी हैं पीछे और मेरे सामने भाभी बैठी हुई हैं। तो अभी आप सबसे बाद में मिलती हूँ। बूढ़ी बूढ़ी का भा बोल, ठीक है अच्छा का पी रात है कुछ मूड गरम नहीं बूढ़ी, अरे कुछ खाए रोटी के आए पहचाने मौका आ के आए मौका नहीं पहचानते का एक नाम का है और एक चिल्ला देख मोगा नहीं जानते का रूबी है नहीं जानते का बूढ़ी मोगा भूल गए का नहीं भूले तो ये देखिए ये है बुआ मेरी बड़ी वाली बुआ। तो दादी के ना हाथों में दर्द हो रहे थे तो बुआ दबा रही थी, मैं भी दादी के पास बैठी थी, थोड़े बहुत मैंने दादी का हाथ पैर सर दबाया और फिर बुआ भी बैठी थी पास में तो बुआ भी दबाने लगी। ये बुआ है मेरी बड़ी वाली बुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और खाने में क्या क्या लिया है मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। सब्जी रोटी पूड़ी और चावल और अभी मुझे दाल लेना है, मुझे दाल लेके अभी नहीं बैठी हूँ, बाबू रो रहा है ना उसी की आवाज़। अभी मैं आके छपरे के अंदर बैठ गई हूँ। हाँ बिटिया, तो मुझे ना एक बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, मैं क्या बताऊँ, मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया है और जिस फ़ोन से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसका ऊपर का डिस्प्ले ख़राब हो गया है, पूरा झिलझिला सा झिलझिला सा मुझे दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। और अब इसको बनवाना है फ़ोन को, बहुत टेंशन हो गई है सच में, मेरा फ़ोन बिगड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, यही है मेरे पास इकलौता और मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है, जो भी टूटा फूटा सा है यही है। और इसका आप लोग वीडियो में फ़ोन को मेरे देखे नहीं है, नहीं तो इसकी देख लेना आप लोग, तो इसकी पूरी हालत ख़राब है, आगे पीछे से पूरा बिगड़ा हुआ था, टूटा फूटा सा है और अब इसका जो है डिस्प्ले भी टूट गया है, तो झिलझिला झिलझिला सा वीडियो आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो मैं इसी से वीडियो बना रही हूँ और इसी से अपलोड कर रही हूँ, क्या करूँ। और इसको बनवाना है, देखिए जब बनवाऊँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, तो फिर एक दो दिन वीडियो शायद नहीं जा पाएगा क्योंकि जब कैमरा नहीं रहेगा तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी और अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ छत पे मैं थी तो बच्चों के ना यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं और आजकल का मौसम पता नहीं चलता कब बारिश होगी और कब धूप होगी, तुरंत ही बारिश होने लगती है और थोड़ा थोड़ा सा कभी धूप निकल आती है, तो हल्का फुल्का सा धूप था तो इन लोगों के नहाने के बाद अंजू ने यही कपड़े ला के डाल दिए थे, मतलब इनकी मौसी ने, तो जो कपड़े मुझे सूखे लग रहे थे मैंने सोचा नीचे चल रही हूँ तो इन सबको लेके चलती हूँ, नहीं तो बारिश में सब भीग जाएंगे, और जो कपड़े हल्के पुल्के सूखे हैं इन सबको थोड़ी देर बाद अभी उतार के ले चलूँगी, अभी थोड़ा सा इसमें हवा लग जाए। तो अब मैं इसी के साथ आप सभी को कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। और बाबू को देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, बाहर बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाबू से बात कर लीजिए, फिर कल के ब्लॉग में मिलूंगी। ये चिल्लाए जा रहा है, ये लो बात करो, बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो।